बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ इज, हमने क्या देखा था पहले वो देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फार व्हाट वी हैव सीन कि हाउ द यूरोपियंस हैव बीन राइटिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, वो हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में कैसे लिखते थे, करके सही लिखते थे कि गलत लिखते थे, गलत लिखते थे, ये चीज हमको समझ में आया। तो हमको उसको सुधारना है कि नहीं सुधारना है, सुधारना है। तो हमने दो चीज देखा, हमने पहला देखा जेम्स मिल ने जो लिखा, जेम्स मिल ने लिखा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि तीन पार्ट में लिखा, पीरियड था 1817 है ना, एक और था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है ना, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, इन्होंने भी लिखा द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोनों ने गलत गलत लिखा। 1841 जाने गलत लोगे क्या कर रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मराठा एम्पायर में, मराठा हिस्ट्री जो कि बहुत ही रिच माना जाता है, है इसीलिए माना जाता है ना, क्यों है। तो बेसिकली इट इज लाइक कि यू टॉक अबाउट एनी फॉरेन रूलर्स कमिंग टू इंडिया, लेट इट बी पोर्चुगीज, पोर्चुगीज इंडिया मतलब महाराष्ट्र को कैप्चर करने आए, मराठा एम्पायर को भगा दिया, ब्रिटिश आए भगा दिया, मुगल आए भगा दिया, कोई भी अगर इंडियन गवर्नमेंट आने की कोशिश करता था ये लोग रिटेलिएट करते थे, ऐसे नहीं बोलते थे आओ आओ पधारो लेके जाओ लूटो, नहीं, फाइट किया, अपोज किया, इसलिए उनको उनका हिस्ट्री बहुत रिच माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उनका इतिहास भी लिखा तो उसको भी क्या किया, मैनिपुलेट, उनके इतिहास को भी छेड़छाड़ी की, ठीक है। देखते क्या और किसने लिखा था, ठीक है। नाम तो है उनका ग्रैंड डफ, क्या नाम है, ग्रैंड डफ, काइंडली पे अटेंशन, पेज नंबर 9 लास्ट पैराग्राफ, द पीरियड ऑफ द मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने हर रूलर्स को, हर फॉरेन रूलर्स को क्या किया, अपोज किया, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ऑब्वियसली वो कोई मेहमान लोग नहीं थे कि आओ पधारो लो जिलेबी बर्फी लड्डू खाओ, हाँ सब उनको पांच पकवान पका के देने के लिए, वो अपने देश को लूटने आए थे, तो लुटेरे लोगों का स्वागत नहीं करते। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट द मराठा हिस्ट्री, मराठाओं के इतिहास के बारे में लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ग्रैंड डफ। ही रोट द बुक एंटाइटल्ड A History of the Marathas, इन्होंने मराठास के ऊपर किताब लिखा, किताब का नाम भी कितना अच्छा नाम, A History of the Marathas, A History of the Marathas. This book is published in 3 volumes. एक पार्ट में हुआ क्या, नहीं, तीन पार्ट में बुक को पब्लिश किया। ग्रैंड डफ्स राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लाइनेशन ऑफ कंडेमिंग द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, इंक्लाइनेशन इंक्रीज, इंक्लाइनेशन इंक्रीज, कंडेमिंग criticize करना मतलब बुराई करना, है ना। तो इनके हर इसमें भी हमने देखा, इनके रिटर्न बॉक्स में भी देखा that they were being criticizing the Indian culture and Indian history, हमारे संस्कृति हमारे सभ्यता के बारे में सब बुरा बुरा ही लिखते थे। ये हो गया ग्रैंड डफ के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने तो कुछ सही नहीं किया, गलत ही किया, लेकिन इनको बाद में देखते हम, ठीक है, आगे बढ़ते। सिमिलर टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब बिहेवियर, टेंडेंसी मतलब बिहेवियर, इज विटनेस इन द कर्नल टॉड्स राइटिंग्स अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। तो जैसे कि मराठाओं का इतिहास के बारे में लिखा, तो वैसे ही राजस्थान के इतिहास के बारे में भी लिखा, किसने लिखा, कर्नल टॉड, कर्नल टॉड। द टू वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन द इंडियन हिस्ट्री show a somewhat impartial treatment of the subject. थोड़ा
इस व्यक्ति ने जो लिखा था वो थोड़ा सही लगता है, मतलब इन्होंने इम्पार्शियल ट्रीटमेंट दिया इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। किसने? विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर इस व्यक्ति ने जब लिखा तो इन्होंने हमारे देश के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत सही लिखा, ठीक है। अब जिस जिसने गलती किया उसको सुधारना पड़ेगा कि नहीं सुधारना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सुधारा गया, दो व्यक्तियों ने सुधारने का काम शुरू किया। पहले व्यक्ति का नाम था नीलकंठ जनार्दन जोगलेकर, सॉरी कीर्तने, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने मिला सबको। और दूसरा नाम है विश्वनाथ काशीनाथ राजबड़े, विश्वनाथ काशीनाथ राजबड़े। तो विश्वनाथ राजबड़े इनको शॉर्ट में बीके राजबड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीके राजबड़े। इन्होंने ग्रैंड डफ ने जो लिखा था ना, वो प्रूव किया कि ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री के बारे में जो लिखा वो गलत लिखा, और उसको सही क्या है करके लिख के उन्होंने किताब बनाई। सही क्या है वो उसका उन्होंने लिखा, ठीक है। किसने? नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजबड़े, दो व्यक्ति नाम याद रहेगा। बीके राजबड़े तुम बोल सकते हो, विश्वनाथ काशीनाथ राजबड़े को बीके राजबड़े बोल सकते हो क्योंकि आगे सब उनका नाम बीके राजबड़े ही, ठीक है। लेकिन पहला नाम जो है नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, वो तो नीलकंठ जनार्दन कीर्तने ही लिखना पड़ेगा। एनके कीर्तने, एनजे कीर्तने नहीं लिख सकते, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, ठीक है। क्या किया इन्होंने समझा, ठीक है। एक बार पढ़ के ले लो, ओके। एक उसका कंक्लूजन देख लो। वर टू इंडियन हिस्टोरियंस हु टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस मींस drawbacks. पढ़ के लो, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो बिंदास। ऑनलाइन पीपल वीडियो चालू करो रे चंपक लोग। पार्शियल मतलब बायस, पार्शियलिटी करना। इम्पार्शियल मतलब विदाउट पार्शियलिटी। विटनेस, विटनेस करना होता है एक्सपीरियंस करना। Done everyone?
2.2 के तरफ बढ़ रहे, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछो ना, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी मीनिंग बिजनेस पूछने का, उसके लिए आते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे आवाज की बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम मीन्स ईयर मीन्स पार्ट्स, ठीक है। तो बुक जो भी होता था उसको पार्ट्स में बनाते थे, उसको वॉल्यूम बोला जाता था, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, ठीक है। जेम्स मिल ने जब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, तीन पार्ट में लिखा, तो उसको कितना वॉल्यूम बोलते हम लोग, थ्री वॉल्यूम्स। बुक, बुक एक बुक मतलब एक वॉल्यूम, दूसरा बुक मतलब दूसरा बुक। तो साइंस में तुम्हारा साइंस वन है, साइंस टू है, मैथ्स में तुम्हारा मैथ्स वन है, मैथ्स टू है, मतलब कितना वॉल्यूम है मैथ्स में, दो वॉल्यूम, साइंस में कितना वॉल्यूम है, हिस्ट्री में कितना वॉल्यूम है, Can we proceed first? Yes. ठीक है? Yes. क्या है देखो 2.2, पहले सुन लो क्या है करके, ठीक है। टाइटल says that Indian historiography various ideological frameworks, है ना? तो अभी हम पढ़ तो वही रहे, we are studying Indian historiography, ये तो पता है, है ना? मतलब इंडिया में किस किस ने लिखने का काम किया, यही पढ़ रहे हैं। वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स मतलब क्या, आइडियोलॉजिकल मतलब आइडियाज, आइडियोलॉजिकल मतलब आइडियाज, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से दूसरे लोग हैं जिन्होंने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी किया, मतलब इंडिया के इतिहास के बारे में लिखा, वो हम लोग देखें। हमने देखा ब्रिटिशर्स ने तो लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो भी लिखा, लेकिन लिखा आया ना, लिखा इसलिए हिस्टोरियोग्राफी हुआ, लिखते नहीं तो होता था क्या हिस्टोरियोग्राफी? अरे हमने तो पढ़ा ना, दे वर द फर्स्ट टू डू द हिस्टोरियोग्राफी वर्क इन इंडिया, है ना, वरना कोई करता ही नहीं था, तो होता ही नहीं, बचता ही नहीं था, आगे बढ़ता ही नहीं था, बात है ना। आज हम लोग को जो भी पता चला वो तो अच्छा हुआ कि शुरुआत कहीं से तो हुआ। तो ये जो यूरोपियंस, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जो हमारे कल्चर के बारे में पढ़ा, हमारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और पढ़ के लिखा, है ना, इसको हमने एक नाम दिया, क्या नाम दिया मालूम है क्या, हमने इसको कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी बोला। ऐसा क्यों बोला, है ना, रीजन है तो कोलोनियल ही क्यों बोला, व्हाई डिड वी सेड ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी, वो तो मीनिंग ही बदल जाएगा, वो तो ऐसा हो जाएगा कि उनका हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करें, नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, हमको कैप्चर किया, हमको कॉलोनी बनाया, हमको क्या बनाया, कॉलोनी बनाया, इसीलिए कोलोनियल, कॉलोनी बनाया इसलिए कोलोनियल। पर यहाँ पे आकर उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में पढ़ा और लिखा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, वही से कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ये समझा। यूरोपियंस मेड आ कंट्री अ कॉलोनी, ओके, फर्दर दे कैरिड आउट द वर्क ऑफ राइटिंग अबाउट इंडियन नॉलेज एंड इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, यस, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, समझा क्या, ठीक है। कोलोनियल हिस्टोग्राफी किसको बोलते हैं, समझा, जो यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। सही लिखा गलत लिखा वो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, नहीं, वो हम यहाँ पे देख रहे नहीं, ठीक है, चलो। कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, the early scholars who studied and wrote Indian history were mainly the British officers, बराबर है कि नहीं, British officers थे, और कौन थे, Christian missionaries, now who were the Christian missionaries, the people who preach Christianity, people who preach Christianity are called as Christian missionaries, तुमको पता रहेगा Christian धर्म में प्रचार होता है धर्म का, है ना, वो दूसरे दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप लोग किस में कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, पता है तुमको ये बात, है ना, अब देखो ना, सिंपल लॉजिक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इंडिया हिंदुस्तान है ना, और यूरोप कहाँ पे संबंध है क्या कुछ, लेकिन हमारे कंट्री में क्रिश्चियनिटी है या नहीं है, ऐसे कैसे क्या, यहाँ पे तो हिंदुइज्म चलता था, बुद्धिज्म चलता था,
पारसी चलता था, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी कैसे क्या आ गया? वो लोग यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों को समझाए, बोले हमारा धर्म बहुत सुपीरियर है, बहुत रिच है, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। जो लोग बोलने से हुए हो गए, जो लोग बोलने से नहीं हुए उनको क्या किया, जबरदस्ती भी किया, हाँ, लेकिन कन्वर्ट कराया। अब तुम बोलोगे सर व्हाई व्हाई देयर हैज टू बी लाइक दिस, व्हाई दे हैव टू कन्वर्ट पीपल, यू फॉलो योर रिलीजन, वी विल फॉलो आवर रिलीजन। दे वांटेड एंटायर वर्ल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो किसमें कन्वर्ट कराना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी। सेम अप्लाइज विद इस्लाम आल्सो, इस्लाम में भी वही है कॉन्सेप्ट है कि नहीं, उसमें भी ऐसे ही है, वो चाहते हैं कि पूरा दुनिया किस क्या फॉलो करे, इस्लाम फॉलो करे, एक हिंदुइज्म ही रह गया किसी को कुछ नहीं बोलते, कॉमेडी लगता है देखो कैसे, इन हिंदुइज्म द रिलीजन डजंट से टू प्रीच, कभी किसी हिंदू को बोला नहीं रहेगा, किसी और धर्म के लोगों को बोलो कि हिंदुइज्म करो, हिंदुइज्म अडॉप्ट करो, समझ में आ रहा है क्या? या कभी किसी हिंदू राज्य ने किसी दूसरे रिलीजन के राज्यों को कैप्चर किया और बोला कि हमारा रिलीजन फॉलो करो, है ही नहीं। हिंदुइज्म बहुत ज्यादा लिबरल है एक तरीके से, क्रिश्चियनिटी में तुमको मास को जाना पड़ता है, मतलब प्रेयर को जाना पड़ता है, ठीक है, इस्लाम में भी जाना पड़ता है, फास्टिंग करना पड़ता है, ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में ऐसा है, फॉलो किया तो किया, नहीं तो नहीं, एकादशी है ना, चतुर्थी है, आ रहे घर पे चिकन मटर, किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, है ना। मंदिर बहुत ज्यादा मंदिर है, मंदिर तो गली गली में मंदिर है, कमी है क्या मंदिर का? हम में से कितने लोग जाते हैं देखते भी नहीं है, डॉक्टर मौर्या समझ में आ रहा है तुमको, दैट्स अ डिफरेंस, ओके। और इसलिए वो रिलीजन बहुत ज्यादा स्प्रेड भी हुआ क्योंकि उसको स्प्रेड करने का पूरा प्रोग्राम किया, बाकी हमारा धर्म इतना स्प्रेड नहीं हुआ क्योंकि हमने उसका कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमारे इसमें है ही नहीं कि हम लोग उसको स्प्रेड कराएंगे करके, जो फॉलो करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता है नहीं करे, जबरदस्ती नहीं है, हमारा देश सेक्युलर है, वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को जगह, फिर वो क्रिश्चियन रहे, फिर वो मुस्लिम रहे, फिर वो हिंदू रहे, पारसी रहे, सिख रहे, ज़ोरास्ट्रियन रहे, कोई भी, तुमको रिलीजन कुछ भी रिलीजन फॉलो नहीं करते, ओके बाबा नो प्रॉब्लम चलेगा, है ना, ऐसा भी जबरदस्ती नहीं है रिलीजन फॉलो करने का, बिल्कुल नहीं है, क्यों फॉलो करने का जबरदस्ती, है ना। आने वाला जनरेशन तुम लोग तो वही बोलोगे क्या रिलीजन पहले कैसा होता था ना, लोगों को लड़ाया जाता, हिंदू है वो मुस्लिम है वो दुश्मन है तेरा, मार उसको, उसको बोला जाता था ये दुश्मन है तेरा मार उसको, झगड़ा भड़काते थे एक दूसरे के खिलाफ, और लोग भड़क जाते थे, लोगों को मारते पीटते थे, मार डालते थे, मार डालते थे, मारना अलग मार डालना अलग है ना, मारना मतलब ये डिफरेंट है, बराबर है कि नहीं, ऐसा चलता था। लेकिन आज लोग कैसे एजुकेटेड, आज लोग बोले मार उसको पूछेगा ना काय को, पहले ऐसे नहीं तो मार देते थे, बाद में के बच्चे काय को बोला सीरियसली, पीपल डाउन द लाइन 20-25 इयर्स बिफोर वर वेरी मच फैनेटिक, फैनेटिक मतलब कट्टरपन, मराठा अरे हो बाबा ठीक है, उसके लिए दूसरे को क्यों मारने का, नहीं आपसे शायद ने सांगित, अरे बाबा ठीक है, बट क्यों समझ रहे कि नहीं, ये सब थोड़ा एब्सेंस था, अभी ऐसा नहीं, अभी आपस में किसी को बोलेगा तो तुम सोचोगे क्यों ऐसा, क्यों मारने का, क्या जरूरत है सर, इसलिए आजकल ऐसे ज्यादा होता नहीं, अब तुमको थोड़ा पीछे जाते थे, वो कोरेगांव का वाले तुमको भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था, मराठास और दलित, दलित लोगों में झगड़ा, नहीं याद नहीं क्या तुमको, नहीं
इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। Their prejudice is clearly visible. Prejudice मतलब तो हमने पढ़ा था, क्या था prejudice? Partiality, criticism, है ना? Ridicule. Ridicule मतलब क्या my dear students? To make fun. ये हमारे संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ाते थे my dear students. कौन थे ये? Britishers. मानता हूँ कि हमारे इसमें कुछ कमियां थी लेकिन वो हमारी संस्कृति थी तभी, है कि नहीं? अभी कोई आता है तो हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम लोग करते हैं ऐसा, बराबर है कि नहीं? अब वो लोग आते हैं तो वो लोग हाय हाउ डू 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 करते हैं तो हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं, हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं, चलो हाँ फाइन फाइन थोड़े ऐसे बोलते है, बराबर है कि नहीं? ये टाइम टू टाइम ये चीजें बदलती है। हमारा उस टाइम पे रिचुअल्स था, सती वाज अ रिचुअल, प्रैक्टिस था, टॉन्शन वाज अ प्रैक्टिस। सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो समय के हिसाब से बदला है। उस टाइम पे वो सही था, सती उस टाइम पे वो सही था लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से बोलोगे तो मैं तो नहीं मानूंगा किसी को भी जिंदा जलाने का। तंदूरी है क्या? चिकन तंदूरी है? नहीं, किसी को जिंदा जलाना ये तो मैं सही नहीं बोला, लेकिन ये उस टाइम के हिसाब से क्या था? प्रैक्टिस था। हस्बैंड एंड वाइफ में अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो वुमन हैज टू गो फॉर सती, ओके? तो सती से थोड़ा ऑप्शन क्या मिला? टॉन्शर मिला। टॉन्शर क्या था? हेड शेव। हस्बैंड एंड वाइफ का अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ ने क्या करना है? अपना बाल पूरा निकाल देना है, इन शॉर्ट टकला होना, टकली। अब ऐसा क्यों? तो ये उस टाइम पे लोगों का मानना था कि उस पर्टिकुलर लेडी के टूवर्ड्स या उस पर्टिकुलर फीमेल के टूवर्ड्स कोई और आकर्षित नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑब्वियसली बाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब है तो वेस्ट ही, एक्चुअली डेड सेल्स है, लेकिन सुंदरता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आप खुद को इमेजिन करो, मतलब बॉयज के लोग तो नहीं, अपन को ऐसा लगे फर्क नहीं पड़ता कितना भी गाय चलता है, लेकिन गर्ल्स यू कैन नॉट इमेजिन विदाउट द हेयर, इमेजिन करो टकला। इतना ही नहीं, इतना में बात खत्म नहीं होता। यू हैव टू वेयर अ वाइट साड़ी जैसे कि आत्मा लोग कोई पसंद ही क्यों करेगा ना, एक तो टकला ऊपर से वाइट साड़ी और कोई श्रृंगार विंगार करने का नहीं, नो मेकअप नथिंग, सिंपल रहने का, कोई क्यों ही पसंद करे ऐसे को? तो दे वांटेड दैट सच टाइप ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन, लाइक a person getting married should not again think of a widow. एक widow के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस reason से ऐसा practices किया जाता था। समझे क्या? लेकिन ये तो ऐसा हो गया ना, मतलब ये ऐसा क्यों नहीं होता कि वाइफ मर गई तो हस्बैंड को जिंदा जला देने का? हस्बैंड भी तो सती कर सकता है ना, बेचारा अकेला जीवन में तकलीफ कैसे सहेगा, है कि नहीं? वाइफ है तो खाना बना के देती है, कपड़े धोती है, बच्चे को समझ, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो हस्बैंड अकेला ऐसा कैसा करेगा, तो तू भी जल जा। लॉजिक तो यही बोलता है, तू भी सती हो जा, है ना? तू भी इस जीवन में अकेला बेचारा कष्ट कैसे सहेगा, तो होना चाहिए था तू भी, है ना? और कोई तेरे को देख के पसंद ना करे, तू भी टकला हो, तू भी सफेद कपड़ा पे, है ना? तो ये लॉजिकल है, होता सही होता तो ये प्रैक्टिसेस टिल डेट इक्वल बेसिस पे चलता था। ये इलॉजिकल था, अनसेंसिबल था, इसलिए ये सस्टेन नहीं हुआ। किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते बोलने में कुछ खराबी है क्या? अभी तो वर्ल्ड बोलता है वेरी गुड इंडिया, ये हाउ डू यू डू नहीं बाबा कोरोना, तो पूरा वर्ल्ड बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं, नमस्ते वेरी गुड, ओनली नमस्ते नमस्ते करते, क्योंकि लॉजिक मैच हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और चीज सही हुए ये बात समझ में आ रहा है, इसीलिए नो हाउ डू यू डू, समझे? आगे बढ़ते, देयर राइटिंग्स वर यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। अब ये लिखते थे और खुद की वाहवाही करते, we are superiors, we are well educated, ek coat suit safari pehen ke aate to aise lagta hai ki
अब यही अगर मतलब मैं अभी सिंपल सादा ड्रेस पहन के आई यही सूट भी so that was just an outer show, एक show off था वो. और ये ब्रिटिशर्स अच्छे से जानते थे कि कैसे करने और अभी हमेशा करते आ रहे हैं कि नहीं. सच्चे थे, अच्छे थे, तो हमारे देश के ऊपर रूल करते थे, सही तरीके से रूल करते थे. इतना लूट के यहाँ पे के सब चीजों को लूटा, ऐसे निचोड़ निचोड़ के पूरा लूटा और चोरी करके लेकर के चोरी. आज जब वहां पे जब डिबेट होता है ना, तो हमारे इंडियंस लोग उनको बोलते हैं, चोर लोगो तुम लोग हमारा पैसे चोरी करके आए उधर, कब रिटर्न कर रहे हो बोलो. इसीलिए चोर लोग अभी भी जो चोरी करते हो वहीं पे जाते हैं. विजय माल्या इधर वापस से लूटा है, 10-11 हजार करोड़ का पैसा घपला किया, जाके बैठा है लंदन में. क्यों उधर इंग्लैंड गवर्नमेंट क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है? वो बोलेगा ना, तुम तो मेरे से भी बड़े चोर हो, पहले तुम पैसा रिटर्न करो फिर मैं देता. मैंने तो 11 हजार करोड़ लूटा, तुमने तो 11 लाख करोड़ है ना. चलो, सो 5 volumes ऑफ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 5 volumes मतलब 5 parts, ओके, पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 सीई आर डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी. डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स. समझा क्या? पढ़ के लो, पढ़ के लो, जल्दी से पढ़ के लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो. कैम्ब्रिज ये जगह है, पता है ना, इंग्लैंड में जगह है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. Anaga? Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Why the video is off? नहीं नहीं वो क्या है ना, तबीयत खराब है तो शक्ल कुछ अजीब ही है. तबीयत खराब है तो क्या हुआ? So, फेस कुछ अजीब ही है. Okay. तो 11 लोग थे, 9 ही बच गए, 2 किधर गए? अटेंडेंस हैज बीन स्टार्टेड टू बी रिकॉर्डेड, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है अभी. एब्सेंट रहोगे एक एक वीक में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, रीजन प्रॉपर रहना चाहिए, इस हिसाब से एब्सेंट रहो. ऑनलाइन पीपल यू ऑल्सो नोट दिस थिंग, अटेंडेंस हैज बीन ऑन रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे ऑफलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, वो भी हम नहीं बैठ रहे, तो टाटा बाय बाय, नथिंग कैन बी डन देन, यस और नो? सो डू टेक केयर दैट यू आर मेंटेनिंग द अटेंडेंस प्रॉपरली. बहुत ज्यादा बीमार हो, तकलीफ है, घर पे ऑनलाइन अटेंड करो. सर नहीं हो रहा है उठने, इन्फॉर्म करो. बरोबर की नहीं? दिस थिंग शुड बी देयर. सर नहीं सर, आज ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, बहुत ही हालत खराब, बताओ तो सही, लेकिन ऐसा भी होता है ना. ओरिएंटलिस्टिक हिस्ट्री बहुत बड़ा है, नेक्स्ट सेक्शन में. चलो ऑनलाइन पीपल, आई एम एंडिंग द सेशन. हां